वेलकम टू द लॉजिकल टॉक। क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जिस प्लैनेट में उस प्लैनेट का एक दिन उसके एक साल से भी ज्यादा बड़ा होता है। इस बात का मतलब यह है कि जैसे कि हमारी धरती पे एक दिन होता है 24 घंटे का और एक साल होता है 365 दिन का, और इससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि हमारी धरती के हिसाब से एक साल इस धरती के एक दिन से 365 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा भी प्लैनेट है जिस प्लैनेट का एक दिन उसके एक साल से भी ज्यादा बड़ा होता है। और आप में से ज्यादातर लोगों ने ट्विटर यूज जरूर किया होगा, और आप में से जितने लोगों ने ट्विटर को यूज किया है आप सभी लोग ट्विटर के लोगों को जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लोगों का भी एक नाम है? लॉजिकल फैक्ट्स की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जिनके बारे में हो सकता है आपको इस वीडियो से पहले नहीं पता रहा होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद, इन फैक्ट्स को जानने के बाद, ये फैक्ट्स आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप अगर चाहें तो लॉजिकल फैक्ट्स के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 भी देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। तो लॉजिकल फैक्ट्स की तीसरी वीडियो के साथ शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, 2011 में जापान में एक अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक की खास बात यह है कि वो अर्थक्वेक इतना ज़्यादा मैसिव था, इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसने हमारी अर्थ पे एक ऐसा इम्पैक्ट डाला, हमारी अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है उस पे ऐसा इम्पैक्ट डाला कि हमारी अर्थ का एक दिन 1.8 माइक्रोसेकेंड से छोटा हो गया। यानी कि 2011 में जो अर्थक्वेक आया था जापान के ऊपर, उस अर्थक्वेक में इतनी पावर थी कि उसने हमारी अर्थ के रोटेशन को हल्का सा, बहुत टाइनी बिट स्लो कर दिया, जिससे हमारी अर्थ का एक दिन 1.8 माइक्रोसेकेंड से छोटा हो गया। फैक्ट नंबर 2, हो सकता है आपने इसके बारे में कभी सोचा हो या फिर नहीं भी सोचा हो, लेकिन जब भी हम अपनी पलक झपकाते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब भी हम एक बार अपनी पलक को झपकाते हैं तो वो एक सेकंड में हम अपनी पलक को झपकाते हैं। लेकिन फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि जब भी हम अपनी पलक को झपकाते हैं तो उस पलक को झपकाने का जो टाइम होता है वो टाइम होता है 0.3 मिली सेकेंड्स का। हम जब पलक झपकाते हैं तो उस चीज़ को होने में एक सेकेंड से भी ज़्यादा कम टाइम लगता है, और वो टाइम है 0.3 मिली सेकेंड्स। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा स्केरी है एट द सेम टाइम। और फैक्ट ये है कि हम सभी लोगों को ये पता होता है कि एक डॉक्टर की राइटिंग एक डॉक्टर ही समझ सकता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कभी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, जब भी हम कभी किसी भी डॉक्टर से मिलने जाते हैं और वो जो हमें ट्रीटमेंट लिख के देता है या फिर जो भी हमें वो लिख के देता है कि हमें कौन सी दवाई लेनी है, हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो इस चीज़ को समझ सकता है। हम में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स की राइटिंग को समझ सकते हैं। और फैक्ट ये है कि डॉक्टर्स की खराब राइटिंग के कारण हर साल लगभग 7,000 और 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है डॉक्टर्स की खराब राइटिंग के कारण। वो कैसे? क्योंकि डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन लोगों को लिख के देते हैं, लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और कुछ लोग जो दवाइयाँ देते हैं, जो दवाइयाँ बेचते हैं दुकानों पर, वो लोग भी डॉक्टर की राइटिंग को नहीं समझ पाते हैं, जिससे हर साल 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है डॉक्टर्स की खराब राइटिंग के कारण। फैक्ट नंबर 4, हम सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें बनी हैं वो सारी चीज़ें एटम की बनी होती हैं, और हम ये भी जानते हैं कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ को कभी रियलाइज़ नहीं किया कि एटम का साइज़ कितना छोटा होता होगा। तो इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर सके, इसके लिए मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूँ। और फैक्ट ये है कि एक पानी की बूंद में लगभग 5 सेक्सटिलियन, यानी कि इतने एटम्स होते हैं एक पानी की बूंद के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम कितना छोटा होता होगा। फैक्ट नंबर 5, जब भी आप नीले आसमान की ओर देखते हैं, जब सूरज नहीं होता है उस तरफ, जब आप नीले आसमान में देखते हैं ऊपर बादलों को, या फिर नीले आसमान का नज़ारा लेने के लिए जब आप नीले आसमान की ओर ऊपर देखते हैं, तब आप में से कई सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आपकी आंखों के सामने कुछ वाइट कलर की चीज़ें तैरते हुए दिखाई देती हैं, और हमें से कई सारे लोग ये वंडर करते हैं कि वो चीज़ें क्या होती हैं। तो फैक्ट ये है कि जो चीज़ें हमें उस टाइम दिखती हैं जब हम नीले आसमान की ओर देखते हैं, वो चीज़ हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मारने का काम करती है, और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम वाइट ब्लड सेल्स करती हैं। और जब हम नीले आसमान की ओर देखते हैं तो वो वाइट ब्लड सेल्स ही हमें तैरते हुए दिखाई देती हैं। फैक्ट नंबर 6, बहुत कम चांस है कि आप में से कोई ऐसा इंसान इस वीडियो को देख रहा है जिसने कभी इजिप्ट के पिरामिड देखे हैं। और अगर आपने इजिप्ट के पिरामिड नहीं देखे हैं, यानी कि आपने असलियत में वहां जाके उस चीज़ को विजिट नहीं किया है, तो आपने ज़रूर उसकी फ़ोटो या फिर कोई ना कोई वीडियो देखी होगी। लेकिन किसी भी फ़ोटो या फिर वीडियो में हम उस चीज़ का सही साइज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो फैक्ट ये है कि
जो पिरामिड होते हैं उनकी साइज बहुत ज़्यादा मैसिव होती है, और उस चीज़ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो पिरामिड का बेस होता है यानी कि जहाँ से पिरामिड खड़ा होता है वो बेस 10 फुटबॉल फील्ड से भी ज़्यादा बड़ी होती है। यानी कि अगर हम 10 फुटबॉल फील्ड्स को आपस में रख दें तो उससे भी ज़्यादा बड़ा बेस होता है एक पिरामिड का। फैक्ट नंबर 7, आप सभी लोगों ने बिजली को कड़कते देखा होगा। जब बिजली कड़कती है तो हमें से कई सारे लोग डर जाते हैं, और जब बिजली कड़कती है तो हमें बहुत तेज आवाज़ हमारे कानों में घुसती है। और यहाँ पे बात ये है कि बिजली के कड़कने से यहाँ पे दो फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। जब बिजली कहीं पे गरजती है, जब बिजली कहीं पे कड़कती है, तब हमें से कई सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस की हो या फिर ना नोटिस की हो, लेकिन फैक्ट ये है कि बिजली हमें पहले दिखाई दे जाती है और हमें उस चीज़ की आवाज़ थोड़ी देर बाद आती है। ये चीज़ बहुत कम लोगों ने नोटिस की होगी, लेकिन ये एक फैक्ट है। और इसी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब बिजली गरजती है या फिर जब बिजली कड़कती है तो उस चीज़ का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर सन की सरफेस से भी ज़्यादा होता है। सन की सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब बिजली गरजती है तब उस बिजली का टेम्परेचर सन की सरफेस से भी ज़्यादा होता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि कनाडा या फिर कनाडा, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करना चाहें, इस देश में लगभग 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लेक्स हैं। और फैक्ट ये नहीं है कि इस देश में 30 लाख तालाब हैं, फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया के 60% तालाब इस दुनिया में, 60% लेक्स इसी कंट्री में है। और जितने भी लेक्स हैं, जितने भी तालाब हैं पूरी दुनिया में, वो सारे तालाब 40% हर एक देश के अलग अलग कोने में हैं। और इस दुनिया में जितने तालाब हैं उन सभी तालाबों में से 60% तालाब इसी देश में हैं। फैक्ट नंबर 9, अब मैं आपको वो फैक्ट बताने वाला हूँ जिस फैक्ट की शुरुआत मैंने इस वीडियो के साथ की थी। और फैक्ट ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लैनेट है कि जिसका एक दिन उसके एक साल से ज़्यादा बड़ा है, और इसका आंसर है मरकरी। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जिसका एक दिन उसके एक साल से ज़्यादा बड़ा होता है। अब वो कैसे, दिन और रात कैसे होते हैं, हम पहले ये समझ लेते हैं। दिन और रात हम उसी चीज़ को कहते हैं कि एक प्लैनेट अपनी एक्सिस पे घूमता है, यानी कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे 24 घंटे में रोटेशन कंप्लीट करती है, इसीलिए हमारी अर्थ पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसी तरह जो मरकरी होता है वो अपने एक्सिस पे घूमने के लिए 176 दिन लगा देता है, यानी कि जब अर्थ पे 176 दिन होते हैं तब मरकरी पे एक दिन और एक रात होते हैं। और एक साल का मतलब क्या होता है, एक साल का मतलब ये होता है कि जब एक प्लैनेट सन का चक्कर लगा ले तो हमारी अर्थ सन का चक्कर 365 दिन में लगाती है, और ऐसे ही मरकरी सूरज का चक्कर यानी कि सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन 87.97 यानी कि 87.97 दिन में करती है। लगभग 88 दिन में मरकरी सन का एक चक्कर लगाती है, यानी कि मरकरी का एक दिन उसके एक साल से भी ज़्यादा बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 10, और इसकी बात मैंने वीडियो के शुरुआत में भी की थी, और ये फैक्ट ये है कि जो ट्विटर में हमें इस बर्ड का आइकन देखने को मिलता है, इस बर्ड का एक्चुअली नाम क्या होता है, तो ट्विटर में जो बर्ड हमें दिखाई देती है इस बर्ड का नाम लैरी बर्ड है, और ट्विटर के फाउंडर बिज स्टोन्स ने इस बर्ड का नाम लैरी बर्ड रखा था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला, जो आपको जरूर मिला होगा, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके, जिससे इस चैनल की हेल्प होगी। द लॉजिकल टॉक की दूसरी वीडियोस को देखने के लिए या फिर लॉजिकल फैक्ट्स की दूसरी वीडियोस को देखने के लिए आप इन वीडियोस को और इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।